तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो की क्लिपिंग जो है वो वायरल की जा रही है और कंट्रोवर्सी कोशिश की जा रही है खड़ी करने की, जिस उस वीडियो में कविंदर जी को बोलते हुए दिखाया गया कुछ टिप्पणी राजपूत सभा के बारे में जो आपत्तिजनक है। इस वीडियो वायरल होने के इमीडिएटली बाद कविंदर गुप्ता जी ने खुद ही इसकी सफाई में जो है वो अपना वीडियो दिया है और स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनकी स्टेटमेंट जो है ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है, ये वैसी नहीं है जैसी कि वीडियो में दिखाई जा रही है। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसको देखने से भी लगता है कि उसमें एडिटिंग हुई है और कटिंग एंड पेस्टिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को अपने साथ लेके चलती है। हम समाज के सभी संस्थाओं को, सभी सभाओं को अपने साथ रखते हैं और हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। जहाँ तक युवा राजपूत सभा की बात है तो युवा राजपूत सभा पब्लिक के इश्यूज को रेज करती है और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जो भी पब्लिक के इश्यूज को रेज करता है उसका सम्मान होना चाहिए। युवा राजपूत सभा भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर नहीं है। युवा राजपूत सभा के भी बड़े लीडर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, ताल्लुक रखते हैं। हमारे ही भाई और बच्चे हैं जो युवा राजपूत सभा के नाम के ऊपर जो है वो पब्लिक के इश्यूज उठाते हैं। ये जरूर हो सकता है कि एजिटेशन का तरीका जो है वो शायद उतना अच्छा ना हो, एजिटेशन करने के तरीके के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन जो भी पब्लिक के इश्यूज उठाएगा भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। इस तरह की कोई भी बयान अगर आता भी है कहीं पे भी तो ये ना समझा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान है। हालांकि इस बयान में तो कविंदर जी ने खुद ही क्लेरिफाई कर दिया है कि ये उनका बयान इस तरह का नहीं है जैसा कि पेश किया जा रहा है मीडिया में, लेकिन अगर इस तरह का कोई बयान भी हो तो ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती और किसी के ऊपर भी जाति टिप्पणी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं करती है, चाहे वो संस्था हो या व्यक्ति विशेष हो। ये कंट्रोवर्सी विदाउट एनी रीजन खड़ी करने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसके ऊपर आपको ये क्लेरिफाई करना चाहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि समाज की वो सभी संस्थाएं जो राष्ट्रहित में काम करती हैं, जो समाज में जनता में जागरूक हैं और उनके मुद्दों को सामने लेके आती हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सम्मान करती है और इसके बारे में किसी को कोई दोराय नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कांग्रेस एक्शन मांग रही है, कांग्रेस कह रही है कि या ऑपोजिशन पार्टी जो कह रही है कि मॉरल की के हिसाब से उन्होंने कई कास्ट को टारगेट किया है और उन्होंने जो है और इसलिए जो लीडरशिप है बीजेपी की कविंदर गुप्ता जी सीनियर लीडर और उस संदर्भ में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज होती है तो ये जो प्रोटोकॉल बन जाता है फॉलो देखें। जहां तक इस इशू के ऊपर एक्शन लेने की बात है तो आदरणीय कविंदर गुप्ता जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फार्मर मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने इस स्टेटमेंट को ओन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये स्टेटमेंट वैसे नहीं है जैसे पेश की जा रही है। सो जब स्टेटमेंट को ओन नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने की बात नहीं होती। अगर उन्होंने ओन किया होता कि ये उन्हीं की स्टेटमेंट है और उसके ऊपर जो है ये क्लेरिफिकेशन नहीं होती, ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है, तो फिर शायद भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर जो है उसके ऊपर सोच रख सकती थी। लेकिन फिर भी ये प्रधान जी जो हैं हमारे अध्यक्ष हैं, ये उनकी जिम्मेवारियों के बीच में उनका राइट है कि इस इशू के ऊपर जो है वो क्या सोचते हैं। हमें ये सोचना है कि क्योंकि कविंदर जी ने इसके ऊपर खुद ही जस्टिफिकेशन दे दी है और इसके बाद जो है इसके ऊपर कोई इशू बनना नहीं चाहिए, ना ही इसमें कोई इशू। सेठ साहब, आपने कहा कि कविंदर गुप्ता जी ने आपने मीडिया में बात की है कि एक वीडियो जो है वो गलत तरीके से पेश किया, यहाँ पर अलग तरीके से पेश किया। आप अभी आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ऑफिशियली आप ये कह रहे हैं कि आपने इससे पहले आपने ये क्लैरिफाई करने की प्रयास किया कि वाकई में ही वो वीडियो सही है कि गलत है। देखिए, आज आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमने इसके ऊपर चर्चा की है और उसके बारे में पता किया है और उसके बाद हमने जो कविंदर जी की स्टेटमेंट्स आई हैं उसको भी देखा है, तो उसके वजह से हम आपके बीच में बैठे हुए हैं और पार्टी की आधिकारिक स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज में किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क नहीं करती,
जब तक कि हमारे पास ठोस सबूत ना हो। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि कोई राजपूत सभा में या युवा राजपूत सभा में कोई ऐसी बात है कि कोई पैसे लेके काम हुआ हो या वैसा, वैसा नहीं है। राजपूत सभा जो है वो एक आदरणीय सभा है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं समाज में, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये लगता है कि जो काम उन्होंने अच्छे किए हैं उनके लिए उनका सम्मान भी होना चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एजुकेशन के मोड एंड मैनर के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसकी बोनाफाइड के ऊपर जो है क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और अगर मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगा कि जब युवा राजपूत सभा के नेताओं को अरेस्ट किया गया है जब टोल प्लाजा के ऊपर, तो सबसे पहले बयान जो है उनको रिलीज करने का कविंदर जी ने दिया था। कविंदर जी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि उनको इमीडिएटली जो है वो रिलीज किया जाए उनके अरेस्ट के खिलाफ। देखिए हमारा ये मानना है कि, और कविंदर जी ने खुद भी इसको क्लैरिफाई किया है कि ये बयान कविंदर जी का बयान नहीं है, और ना ही कविंदर जी ऐसा कोई बयान दे भी सकते हैं, क्योंकि कविंदर जी का राजनीतिक करियर अगर आप देखेंगे तो 35-40 साल का लगभग राजनीतिक करियर या उससे ज़्यादा भी, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कविंदर जी ने समाज के किसी भी वर्ग विशेष को जो है उसके खिलाफ कोई कभी टिप्पणी की हो। तो ये कटिंग एंड पेस्टिंग का मामला है जिसको कविंदर जी ने खुद भी कहा कि तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इन एनी केस हम इस तरह की कोई भावना किसी सभा के बारे में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं रखते। सर आपके भाषण में एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, क्या उसमें ये मामला जाएगा कि एक क्लैरिफाई करने का प्रयास हो कि वाकई में कविंदर गुप्ता जी ने ये बयान, अगर ये साबित होता है कि अगर उन्होंने ये बयान, देखिए डिसिप्लिनरी कमेटी का काम होता है कि जहाँ पे इनडिसिप्लिन के ओकेजन आते हैं उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। जैसे मैं, क्योंकि अब इंसिडेंटली मैं चेयरमैन हूँ डिसिप्लिनरी कमेटी का भी, तो वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी टुडे, आज ही लिया है एक्शन। उसमें कोई लिहाजदारी नहीं होती है इनडिसिप्लिन के मामले में, लेकिन ये मामला इनडिसिप्लिन का नहीं है, ये मामला उनकी स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश करने का है। आई डोंट थिंक कि कविंदर जी की कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर युवा राजपूत सभा ने कहा है कि अगर कविंदर गुप्ता जी इसको लेकर स्टेटमेंट देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर माफ़ी उनकी तरफ से नहीं मांगी जाती तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसका घेराव हो सकता है, वो प्रदर्शन यहाँ पर डेफर्मेशन के लिए भी उन्होंने कहा। देखें युवा राजपूत सभा की तरफ से इस तरह की रिएक्शन जो है कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जिस तरह का मीडिया में बयान को पेश किया गया, उसका वीडियो एडिटिंग की गई, तो उसमें ये ज़रूरी है कि उससे कोई भड़क सकता है, और शायद उसकी मंशा भी यही है कि युवा राजपूत सभा हो या समाज के बाकी लोगों, उनको भड़काया जाए इस तरह का वीडियो जो है वो तोड़ के पेश करने से। मुझे लगता है कि युवा राजपूत सभा जो है कविंदर जी की स्टेटमेंट आने के बाद जो क्लेरिफिकेशन आ गई उनकी कि ये उनका बयान नहीं है, इसको तोड़ के डाला गया है, एडिटिंग का मसला है, तो उसके बाद युवा राजपूत सभा को भी इसमें सेटिस्फेक्शन होगी। मुझे नहीं लगता है कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है कोई डिफेमेशन का केस होगा या घराब होगा। दे शुड बी सेटिस्फाइड कि कविंदर जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है कि इस तरह का कोई बयान उनका नहीं है, और ना ही वो युवा राजपूत सभा के बारे में ऐसा सोचते। इसके साथ साथ सर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, अगर प्रदेश अध्यक्ष हों, जुगल किशोर शर्मा हों, श्यामलाल शर्मा हों या फिर देवेंद्र राणा हों, वो लगातार युवा राजपूत सभा के जो काम थे उसको सराह रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, उनका साथ देने की बात कर रहे थे, लेकिन कविंदर गुप्ता जो है उन्हें इस तरह की जरूरत क्या पड़ गई कि उन्होंने इस तरह का बयान। देखिए ऐसा नहीं है, कविंदर जी ने भी तो काम को सराहा था। जब कविंदर जी ने कहा था कि उनको अरेस्ट के फौरन बाद जो है उनको कहा कि उनको छोड़ दिया जाए, तो उनके काम को सराह के ही कहा था कि उनको छोड़ दिया जाए। ये वीडियो जो है ये उस तरह का वीडियो है नहीं जिस तरह की वाकई जो है वो कोई बात नहीं। वीडियो के बारे में क्यों वीडियो काटी हुई है, वो कह रहे हैं इंटरव्यू था आधे घंटे का, जो पूरी स्पीच थी उसमें से वायरल पोर्शन यही किया गया, इस पोर्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं है। नहीं, ये इंटरव्यू काटा गया, ये इंटरव्यू का मसला ही नहीं है, ये किसी मीटिंग में एड्रेस करते हुए वीडियो बनाई गई है, और उसको वीडियो को जैसे मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जो चल रही है वो क्लियर केस है कट एंड पेस्ट का। उसमें पूरी की पूरी सीक्वेंस नहीं चलती है, उसमें से कुछ सेकंड का एक चलता है, फिर उसके बाद दूसरे सेकंड का जो है कुछ सेकंड का बाद में उसके साथ जो है वो ऐड हो जाता है, तो कटिंग एंड पेस्टिंग का मसला है। लेकिन जब कविंदर जी ने खुद, जो पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन है, जब उन्होंने खुद ही उसके बाद आके क्लेरिफाई कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई विवाद रहता। पूरा विश्वास है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, हैव यू इन्वेस्टिगेटेड दिस? वी बिलीव दिस एंड देयर इज, देखिए हमारे पास जस्ट गॉन थ्रू दैट वीडियो, हमारे मैंने यहाँ पे आने से पहले उस वीडियो को देखा है, अच्छी तरह से परखा है,
और उस वीडियो के बाद जो कविंदर जी की स्टेटमेंट आई है भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है। देखिए मैं आपकी क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। हमने वीडियो को देखा है, उस वीडियो को देखने के बाद अपेरेंटली लगता है कि कट एंड पेस्ट का मसला है, उसमें तोड़ मोड़ की बात तो है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम कविंदर जी की जो क्लेरिफिकेटरी स्टेटमेंट है उसको डिसबिलीव करें। जब कविंदर जी ने खुद ही कह दिया कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी है, ये तोड़ मोड़ के जो है वो स्टेटमेंट का पार्ट दिया है। सर बिना जांच के आप कैसे कह सकते हैं कि उस वीडियो में जो है वो एडिटिंग हुई है? पहले जांच करिए कि बाकी में वीडियो बाकी है, किसी के बयान देने से क्या होगा? देखिए हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हमने जांच की है, और जांच करने के बाद हम लोगों को भी ये लगता है कि जो कविंदर जी ने कहा है कि तोड़ मोड़ के पेश किया, ये वैसा ही मसला है। उस जांच करने के बाद ही हम लोग आपके बीच में आए। क्या आप वीडियो को जांच के लिए भेजेंगे जो वायरल हुई है, जैसे सच सामने आए? सर मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कुछ और एक्शन करने की जरूरत है, जब कविंदर जी ने खुद ही इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दे दी है। और भारतीय जनता पार्टी इन एनी केस वी स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। मैं आपसे आपके माध्यम से ये युवा राजपूत सभा को भी अपील करना चाहूँगा कि आपने जो काम किए हैं जनता के हित में, भारतीय जनता पार्टी उसको सराहती है। युवा राजपूत सभा के जो लीडरशिप है वो हमारे भाई और बच्चे हैं, हमारे को किसी के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है और ना ही किसी के दिमाग में ये बात आनी चाहिए। ये जो है इसके ऊपर यकीन करना, इस वीडियो के ऊपर और उसके ऊपर अपनी राय बना लेना, ये कोई अच्छी बात सर, ये सर एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बी नर्वस, नंबर वन। नंबर टू, हम युवा राजपूत सभा को अपने से अलग नहीं समझते। देखें चाहे वो युवा राजपूत सभा होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, बार एसोसिएशन होगी, बाकी बिरादरियां होंगी, ये जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है, तो हमारा इनके साथ कोई मतभेद नहीं है। हम इकट्ठे काम करते हैं और एक ही इशू के ऊपर काम करते हैं। अगर जैसे इश्यूज की बात करें तो युवा राजपूत सभा ने लेटली इशू लिया कि बिजली की कटौती जो है उसके बारे में, टोल प्लाजा के बारे में, उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी तो साथ थी। हम ही लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन जो है वो स्पेशली दिल्ली में गई, हमने सभी मिनिस्ट्री से बात की, सेंटर से बात की, और उसके बाद छुट्टी डिक्लेयर करवाई। टोल प्लाजा के बारे में भारतीय जनता पार्टी की हाईएस्ट लेवल पे लीडरशिप जम्मू कश्मीर में जो है वो बात कर रही है, सेंटर में भी वहाँ पे जहाँ पे बात होनी चाहिए। बिजली के बारे में बात हो तो हाई लेवल डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी की जाती है, जो एलजी साहब को दो बार मिल चुकी है, कुछ मसले उसमें सॉल्व हो गए, कुछ मसले अभी पेंडिंग है, लेकिन जो मसले पेंडिंग है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस देना चाहती है कि जो मसले रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी ही उनको सॉल्व करवा रही है। तो हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है, लोग इस चीज को जानते हैं, और हमको किसी से नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सर जो भी समाज के हित में काम कर रहे हैं उसका स्वागत है। हमने ये कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई समाज के लिए काम नहीं कर सकता है। हम ये कहते हैं कि जो भी समाज के लिए काम करता है उसका स्वागत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सर आपने अगर ये वीडियो ध्यान से देखा होगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली जाते हैं, कहते हैं कि मैं जो परिवहन मंत्री हैं उनसे मिल रहा हूँ, टोल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कविंदर गुप्ता इस वीडियो की बात करें, आप कह रहे हैं कि इसमें छेड़खानी की गई है, लेकिन वो वहाँ पर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में टोल लगता है तो फिर यहाँ पर टोल आखिर क्यों ना लगे, अगर सड़कें आपको अच्छी चाहिए तो टोल देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने उस वीडियो में तमाम वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को दिलासा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, वो सारी बातें सोच के चलते हो कि वो वीडियो जेन्युइन है। हम ये मानते हैं कि वो वीडियो जेन्युइन नहीं है। टोल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। जहाँ पे लोगों को दिक्कत है, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन है कि टोल प्लाजा कहीं पे नहीं होना चाहिए या उसके टोल में कटौती होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करने के लिए अग्रसर है। हम वी डोंट टेक एन इशू विच इज अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन। जी मैम, देखिए मैंने जैसे आपको पहले कहा कि उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी देखेंगे तो वो कट एंड पेस्ट का वीडियो है। वो एक जो जेन्युइन वीडियोस होते हैं वो एक ही सीक्वेंस में एक ही लाइन में चलते हैं। जब
पार्ट्स काटे जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो दैट शोज दैट दैट वीडियो इज नॉट जेन्युइन. वी हैव द रीजंस टू बिलीव. सर अभी जो रिसेंटली बयान आया उन्होंने कहा है आज शाम तक का समय लेते हैं कुलदीप गुप्ता जी वो हमसे माफी मांगी जो बयान उन्होंने दिया उसके प्रूफ हमें नहीं अन्यथा कल ग्राफ 11 बजे डाली निकलेगी उसका जवाब इस तरफ होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में. देखिए ये धमकी देने की बात या बाकी बातें तो तब आएंगी अगर कविंदर गुप्ता जी ये कहें कि उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है जो वीडियो में आई है. मैं आपके थ्रू मतलब मीडिया में इससे बड़ा क्या होगा कि आधिकारिक रूप से भारतीय नाराजगी किसके साथ है. आधिकारिक तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं आपको ये बता रहे हैं. आधिकारिक तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि युवा राजपूत सभा की भारतीय जनता पार्टी बहुत इज्जत करती है. उन्होंने अच्छे काम किए हैं. अब इससे ज्यादा सर्टिफिकेशन आपको क्या चाहिए. और ये भी नहीं है कि हमारे सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत है. लोक हित में जो भी काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी उसका साथ देगी. ये हमारे को इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है कि क्रेडिट किसको मिलता है या क्रेडिट किसका नहीं मिलता है. हमारे हिसाब से जनता के काम होने चाहिए. वी आर कमिटेड फॉर दैट. थैंक यू. पत्रकार ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है अगर वो पत्रकार सामने आता है और पूरा वीडियो अगर सामने आ जाता है देखिए अगर जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल किया गया मैं उसके बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ कि वो वीडियो जो है आप भी देखें उसको. वो वीडियो जो है वो जेन्युइन नहीं है. उसमें छेड़खानी है. वो वीडियो कट एंड पेस्ट का है. उसके बाद अगर कुछ होगा तो उसके आप देखें. थैंक यू. थैंक्स.